नमस्कार, मैं भविष्यवाणी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीयू छात्र संघ चुनाव में जदयू की जीत का डंका। राज्य में बनेगी गुड़ उद्योग के विकास की नीति। तिरुपति और रामेश्वरम यात्रा के लिए IRCTC लाया है टूर पैकेज। बिहार के बेटे ने जज बन किया खूबसूरत फैसला। सलमान बट ने हार्दिक पांड्या को लेकर दिया बड़ा बयान। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जदयू की जीत का डंका। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जदयू के द्वारा सेंट्रल पैनल के 5 में से 4 पद पर जीत हासिल की है, जिसमें अध्यक्ष पद भी शामिल है। वहीं ABP के हिस्से में महासचिव की कुर्सी आई है। जानकारी के लिए बता दें कि जदयू की ओर से जिन उम्मीदवारों की जीत हुई है, उनमें अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आनंद मोहन, उपाध्यक्ष पद पर विक्रमादित्य, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर संध्या कुमारी और कोषाध्यक्ष के पद पर रविकांत को जीत हासिल हुई है। वहीं ABVP के हिस्से में महासचिव की कुर्सी आई है, उसे हासिल करने वाले विपुल कुमार हैं। बता दें कि जदयू के विजयी उम्मीदवार जीत का श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे रहे हैं। पटना SSP ने बिहटा थानेदार को किया सस्पेंड। SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों के द्वारा जमीन के दलालों से साठ गांठ के आरोप में बिहटा के थानेदार रंजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक जमीन का दलाली बिहटा थाना में अक्सर आता था और यहां काम करवाने के नाम पर लोगों से रुपए ऐंठता था। इसके पहले अवैध बालू को लेकर भी बिहटा थानेदार पर कई आरोप लग चुके थे। अब थानेदार रंजीत कुमार को सस्पेंड करने के बाद सनोवर खां को नया थानेदार बनाया गया है। राज्य में बनेगी गुड़ उद्योग के विकास की नीति। गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा बिहार में गुड़ की कुल उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए उद्योग के विकास की नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी में जुट चुका है। इसके तहत गुड़ आधारित उद्योग की स्थापना करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही गुड़ उद्योग नीति बनाने की दिशा में भी पहल की जाएगी, जिससे बिहार के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। इस नीति के तहत गुड़ उत्पादन करने वाले लोगों को आवश्यक उपकरण की खरीद के लिए संसाधन सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं इस नीति को लेकर गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता का कहना है कि इस नीति की पहल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर की जा रही है। पटना कंकड़बाग के ग्रीन पार्क कांटे फैक्ट्री रोड में लगाया गया फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। आज रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकड़बाग के सौजन्य से ग्रीन पार्क कांटे फैक्ट्री रोड में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एवं फिजियोथेरेपी से संबंधित रोगों का सलाह एवं उपचार किया गया। लगभग 90 मरीजों का शुगर जांच फ्री में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जाने माने चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी एवं भौतिक चिकित्सक डॉक्टर सुजीत कुमार तथा रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकड़बाग के प्रेसिडेंट शंभुनाथ सिंह एवं क्लब के सभी प्रतिनिधि ने अपना अहम योगदान दिया। कोहरे के कारण रेलगाड़ियों के परिचालन में हुआ बदलाव। ठंड में बढ़ते कोहरे को देखकर 1 दिसंबर से मंडल के कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है, जिनमें 38 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं, तो वहीं पर ट्रेनों के संचालन की अवधि को हटा दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूरी तरह से ट्रेनों में मंडल से बनकर चलने वाली जनता त्रिवेणी समेत 6 ट्रेनों को शामिल किया गया है, तो वहीं मंडलों से गुजरने वाली ट्रेनों में डबल डेकर सहित जलियांवाला बाग, मुजफ्फरपुर, सप्त क्रांति, राजरानी, पोरबंदर, जनसेवा समेत तमाम प्रमुख ट्रेनें हैं, जिससे बीते दिन शनिवार को उत्तर रेलवे मुख्यालय के द्वारा रेलगाड़ियों को रद्द करने का फैसला किया गया है। बिहार के बेटे ने जज बन किया खूबसूरत फैसला। बिहार के बेटे ने अपने पिता की बेइज्जती पर जज बनकर जवाब दिया है। बता दें कि यह खबर बिहार के सहरसा जिले के नौहटा प्रखंड के साथ और पंचायत के बड़वा ही वार्ड नंबर 12 के रहने वाले कमलेश कुमार उर्फ कमल यादव की है, जिन्होंने BPSC की तीसरी न्यायिक सेवा में 64वीं रैंक लाकर जज बनने में सफलता पाई है। बताते चले कि उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई दिल्ली में रहकर पूरी की है, लेकिन इनके जज बनने की कहानी बहुत ही रोचक है। बता दें कि जज बने कमलेश के पिता चंद्रशेखर यादव दिल्ली में जहां दुकान लगाते थे, तभी वहां एक पुलिस वाले ने किसी विवाद पर उनके पिता को थप्पड़ मार दिया था। पिता की इस बेइज्जती पर कमलेश ने उनसे सवाल कर दिया कि कैसे सबक सिखाया जाए। तब पिता ने कहा था कि एक जज का ही ऐसा पद है जिसे पुलिस वाले भी सलाम ठोकते हैं। बस इसी दिन से कमलेश कुमार ने सोच लिया कि जज ही बनेगा और अपनी पिता की बेइज्जती का बदला लेगा। तिरुपति और रामेश्वरम यात्रा के लिए IRCTC लाया है टूर पैकेज। IRCTC एक बार फिर से मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों को तिरुपति बालाजी रामेश्वरम सहित ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए मौका दे रही है। बता दें कि स्वदेश दर्शन ट्रेन जयनगर से 21 जनवरी को रवाना होगी। सफर के स्लीपर पैकेज के लिए 17,999 रुपये खर्च करने होंगे, तो वहीं AC के लिए 28,515 रुपये रखा गया है। इस पैकेज की बुकिंग की सुविधा IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह ट्रेन जयनगर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, पटना और गया होते हुए रवाना
करना होगी। कटिहार में गरीब नवाज एक्सप्रेस से 165 कछुआ बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा बिहार के कटिहार में गरीब नवाज एक्सप्रेस में तलाशी अभियान चलाया गया। बता दें कि इस तलाशी अभियान के दौरान गरीब नवाज एक्सप्रेस से कुल 165 बेजुबान कछुआ बरामद किए गए हैं, लेकिन अब तक इस मामले को लेकर किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसके साथ ही कटिहार रेल जीआरपी पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताते चले कि ये सभी 165 बेजुबान कछुए बोरियों में बंद थे और इसे सामान्य बोगियों में अलग अलग सीटों के नीचे रखा गया था। बिहार में जदयू के सदस्यों की संख्या 70 लाख पहुंची। बिहार में सत्ताधारी दल जदयू 30 सदस्यों में पिछले 2 माह के दौरान 75% का इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब बिहार में नदियों में मौजूद लोगों की संख्या 40 लाख से बढ़कर 70 लाख हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 4 सितंबर से 10 नवंबर के बीच चले सदस्यता अभियान के दौरान इस दल के द्वारा बिहार में लगभग 30 लाख नए सदस्य बनाए गए हैं। वहीं 70 लाख सदस्यों में प्रत्येक संवर्ग में 60% से अधिक संख्या युवाओं की है। जदयू के द्वारा पाई गई यह उपलब्धि मजबूतीकरण का शुभ संकेत है। बिहार में खाद की किल्लत पर सियासी घमासान। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन शनिवार को बिहार में खाद की किल्लत को लेकर नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार को पर्याप्त मात्रा में यूरिया का स्टॉक दिया गया है, इसके बावजूद अगर किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है तो इसका कारण नीतीश सरकार के अधिकारी द्वारा नेपाल सीमा से यूरिया की तस्करी करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में खाद की कोई किल्लत नहीं है, बिहार कृषि मंत्रियों के द्वारा गलत बयानबाजी दी जा रही है। पिछले 1.5 महीने में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को 2.41 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया है, जिसमें बिक्री होने के बाद भी 1.68 लाख मीट्रिक टन स्टॉक में पड़े हुए हैं, इसलिए बिहार सरकार पहले यूरिया की होने वाली कालाबाजारी पर लगाम लगाए। पूर्व सीएम मांझी ने सीएम नीतीश से की बड़ी मांग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल न जाने को लेकर सीएम नीतीश कुमार से अपील की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार आनंद मोहन की रिहाई की दिशा में काम करें। बता दें कि जीतनराम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आनंद मोहन को पुनः जेल जाने की खबर से मन दुखी है, मुझे लगता है कि अब उनके साथ अन्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि उनकी रिहाई की दिशा में काम किया जाए, यही न्याय संगत होगा। हम पूरी तरह से आनंद मोहन जी एवं उनके परिजनों के साथ। बता दें कि आनंद मोहन को जेल डीएम कृष्णैया हत्याकांड के आरोप में भेजा गया था। 2007 में निचली अदालत के द्वारा उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, हालांकि 2008 में पटना हाई कोर्ट के द्वारा आनंद मोहन की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया है। मुकेश सहनी ने संजय जायसवाल पर साधा निशाना। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल जिस तरह मेरे ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं वह सही नहीं है। मैं सरकारी आवास में रह रहा हूं और भवन निर्माण विभाग को 30 गुना ज्यादा किराया दे रहा हूं, फिर भी भवन निर्माण विभाग द्वारा हमें नोटिस भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अति पिछड़ा हूं, जिस वजह से भाजपा के लोग मेरे और मेरे पार्टी के लोगों के बारे में ऐसा कहते हैं। जदयू का अलग होना भाजपा के लिए सुनहरा अवसर। पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि जदयू का अलग होना भाजपा के लिए एक बड़ा अवसर के समान है। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा की 40 सीटों में से 35 सीटें भाजपा की झोली में आएगी और प्रदेश में 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की अपनी सरकार होगी। वहीं जदयू अब भाजपा से अलग हो गई है तो यह भाजपा के लिए ईश्वरीय वरदान के समान है और अब आने वाले भविष्य में भाजपा कभी भी जदयू के साथ तालमेल नहीं करेगी। सलमान भट्ट ने हार्दिक पांड्या को लेकर दिया बड़ा बयान। T20 प्रारूप में रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को T20 का नया कप्तान बनाने को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सलमान भट्ट ने अपनी सहमति नहीं दिखाई है और उन्होंने हार्दिक पांड्या को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा है जो ये मांग कर रहे हैं कि रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को T20 प्रारूप में कप्तान की जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह कौन से लोग हैं जो हार्दिक पांड्या को T20 कप्तान बनाने का सपना देख रहे हैं और उन्हें कप्तान के रूप में देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हार्दिक पांड्या टैलेंटेड हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने भी अपनी कप्तानी मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया है। अगर T20 वर्ल्ड कप 2022 में रोहित शर्मा ने भी रन बनाए होते तो इस तरह की मांग लोगों के द्वारा नहीं की जाती। एशिया में लोगों की आदत है कि वह तुरंत ही बड़े बदलाव की मांग करने लगते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि जिन 11 टीमों के कप्तानों को वर्ल्ड कप में निराशा हाथ लगी थी, क्या आप सभी उन टीमों के कप्तानों को भी बदलने की मांग करेंगे? जाने बिहार में आज क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 9 पैसे
वहीं डीजल की कीमत 94.02 रुपए रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए तो डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर है। बेगूसराय में पेट्रोल की कीमत 106.93 रुपए तो वहीं डीजल की कीमत 93.73 रुपए प्रति लीटर है। अगर बात गया की करें तो गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए तो डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। मुजफ्फरपुर में आज पेट्रोल की कीमत 107.91 रुपए तो डीजल की कीमत 94.64 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। जारी आंकड़े के अनुसार बिहार के जिस जिले में पेट्रोल डीजल की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है वह जिला सिवान है, जहां पेट्रोल की कीमत में 108.69 रुपए प्रति लीटर है तो डीजल की कीमत 95.03 रुपए प्रति लीटर का इजाफा देखा गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोटू रंगीला, परवेज आलम, उमेश ऋषिदेव, जितेंद्र ठाकुर, नुनू कुमार, बाबूलाल मरान जी, अनवर करीम खान, मोहम्मद नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि राज्य में गुड़ उद्योग के निर्माण से लोगों को क्या फायदा होगा। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।